गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस चैप्टर 2 माई सेल्फ दीपागर। इससे पहले हमने हाफ चैप्टर पहले रिकॉर्डिंग में किया था। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा, सबने घर पर रीड किया होगा। उससे आगे हम आएंगे पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर सबसे नीचे के पैरे में आ जाइएगा भोजन नली ग्रसिका। बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी भोजन नली और श्वास नली। भोजन नली क्या होती है? जो भी हम खाना खाते हैं, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, जैसा कि आप चित्र 2.2 में देख सकते हैं। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन में भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में क्या होता है कि संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा। कई बार होता है ना कि हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और हमें उल्टी हो गई, तो वो बाहर आ जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद वमन क्रिया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने पेरेंट्स से या टीचर से इस विषय में चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए हमारा आमाशय क्या है। आमाशय का आंतरिक स्तर, आंतरिक सतह जो होती है वो उसको श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करती है। आप चित्र 2.7 में भोजन ग्रसिका में भोजन की गति देख सकते हैं कि भोजन किस तरह से नीचे जाता है। आमाशय एक मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह फ्लैट होता है, चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धांत्र में खोलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करना, जैसा आपको पहले बताया गया है, श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। यह माध्यम इसको अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिनको जठर रस कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शुद्धांत। शुद्धांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्धांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर जाते हैं। वसा, वसा क्या होती है हमारी? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा जब हम कब कहीं खाना खाते हैं और जल्दी जल्दी खा लेते हैं, वो खाना हमें सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। यहाँ खाते समय जल्दी ना खाए, बातें कर रहे हों,
तो कई बार ऐसा होता होगा आपको खांसी उठ जाती है या एक हिचकी आ जाती है, तो आप एकदम से घुटन सी फील करते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि ऐसा किस वजह से हुआ है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती रहती है। ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हमें हिचकी आने लगती है या खांसी उठ जाती है। शुद्ध हिंदी में उसको कहते कि धसका लग गया। ये सब इसीलिए हमेशा भोजन को थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण रूप से चबा करके आराम से खाना चाहिए। हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा अपना अमाशय। आप जानते हैं अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज कैसे हुई? एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई सन 1822 ईस्वी में। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमरीकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय का छिद्र भलीभांति बंद नहीं कर सका तथा उसने उस छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण प्रैक्टिकल करके देखे। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी भित्ति से सरल स्त्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय शुद्धांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को अच्छे से ध्यान से इस पूरा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शुद्धांत्र में अवशोषण। जो भी खाना हम खाते हैं उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शुद्धांत्र की भित्ति में रुधिर स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन संरचनाओं से दीर्घ रोम या रसांकुर पैदा होते हैं, इसलिए उनको रसांकुर कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह पर से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस सब को हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। गुदा द्वारा यह मल बाहर कर दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। जितना आपको इस समय पढ़ाया गया है उतना आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जल एवं कुछ लवण वृद्धांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। गाय भैंस घास खाने वाले जो शाकाहारी अन्य जंतुओं को आपने कभी देखा भी होगा वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं जब वे खाना नहीं खा रहे होते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमिनेंट प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय चार भागों में बटा होता है।
रूमिनेंट भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को हम रोमांथन कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा किसी भी खाने को खाने के बाद पेट में बदहजमी सी हो जाती है, खाना उसको सही से पचा नहीं पाता है। आपको जल रूपी पतले मल के रूप में निष्कासन की आवश्यकता होने लगती है। इस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा पच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह आदि सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए भोजन में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। घास में तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंती कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पचन नहीं कर पाते हैं। रूमिनेंट में शुद्धांत एवं वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र होता है। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन कैसे करते हैं? चित्र 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशीय जीव होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। यह गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक दानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्तक निकालता रहता है जिन्हें पादाप कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता रहता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादा विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में अमीबा का सुंदर चित्र बनाना है एवं कलर से भी प्रदर्शित करना है। खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थान के विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है यहीं पर। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आई फिर एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी को अच्छे से चैप्टर 2 की रीडिंग करनी है, चैप्टर को समझना है। नेक्स्ट टर्न पर हम इनके नोट्स भेजेंगे। नोट्स द्वारा आप सुंदर कार्य अपनी कॉपी में करेंगे और उसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।